हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदी भाषा का वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। कल काफ़ी लोग 500 जन ने मेरे वीडियो देखे, इसलिए मैं हिंदी बनाने में वापस कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हिंदी इतनी अंग्रेजी जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं कि आप लोग समझ न पाओ। हैदराबाद सेंटर काफ़ी मेरा फेवरेट सेंटर है। मैं काफ़ी बम्बई और पुणे में कभी हार जाता था तो 100% मैं हैदराबाद में रिकवर कर देता था मेरा लॉस। अक्षय कुमार हैदराबाद का राजा इसलिए है कि उसने दिमाग में एक रेखा बांध ली है 600-700 मीटर के आगे, जिधर से ही वो मूव होता है, लास्ट हो कि सेकंड लास्ट हो कि पीछे हो कि आगे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि दृष्टि भ्रम है कि वो पीछे से बहुत फास्ट आता है, ऐसा नहीं है। कोई घोड़ा 200 मीटर में लास्ट 200 मीटर में 12 सेकंड 11 सेकंड करे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वो कुछ 9 सेकंड 10 में नहीं आता। वो आगे वाले जो है वो लोग 13-14-15 सेकंड करते, वो थक गए, उनके पैर थक गए, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पीछे से बहुत फास्ट आया। और ये सब का संगम हो तो ही वो जीतता है। आगे वाला थकना चाहिए तो ही वो एक पीछे से ऐसा लगता है। एनीवेज आज उसके काफ़ी अच्छे माउंट है, मेरे हिसाब से डबल नहीं तो ट्रिपल कर सकता है। लास्ट ईयर उसके 14-15 फेवरेट हार गए थे, थोड़े इसलिए हार गए थे कि आगे वाले थके नहीं और थोड़े कुछ क्योंकि लोग ने जादू मंत्र किया होगा ऐसा लगता है, अपन को मालूम नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, बट काफ़ी फेवरेट हार गए थे। तो ज़रा संभाल के खेलियो। पहले दिन कोई भी सेंटर में मैं तो आधा बैट करता हूँ, 50%, क्योंकि ट्रैक की कंडीशन क्या है और घोड़े के वजन ज़रूर देखना। हैदराबाद सेंटर फ्री है, आप मेरी चैनल पे आ सकते हो। मैं पैडक रिव्यू हर रेस में यही चैनल पे आता हूँ। काफ़ी घोड़े वेकेशन के बाद वज़न ज़्यादा होने के वजह से उनके पेट यानी बैली ऐसी हैंग होती है, वो रेसिंग फिट नहीं होते। मुझे काफ़ी नॉलेज चार्ल्स ओ'ब्रायन विंसेंट ओ'ब्रायन ये लड़के ने पैडक में क्या दिखना क्या नहीं देखना, कौन जीत सकता है, क्या है उसकी कोट कैसी है, उसकी गर्दन कैसी है, उसके कान कैसे है, उसका मैं काफ़ी नॉलेज मेरे पास है, विद्या है, वो ये विद्या को शेयर आपको करना चाहता हूँ। आप काफ़ी सीख पाओगे। मेरे वीडियो अंग्रेजी में काफ़ी पॉपुलर है तो आप ज़रूर पैडक टाइम पे आना। अभी रेस में जाते भाइयों, तो पहली रेस है रॉयस्टन रॉक प्लेट डिवीजन 1, 1200 मीटर की रेस है, तीन साल के मेडन हॉर्सेस के लिए। एक का घोड़ा का फॉर्म ठीक है, विंडसर, उसकी पेडिग्री भी ठीक है, रोड्रिगो कॉर्नर फॉर एवर ग्लोरी, लेकिन एलडी सिल्वा के फेवरेट खेलने में हाथ कांपते हैं तो संभाल के। अक्षय कुमार राइड करता है, इवन मनी शायद भाव खुलेगा। उसमें चार नंबर घोड़ा बैश ऑन रिगार्डलेस, उनको टंग स्ट्रैप पहली बार पहनाई जाती है। एलबीआर देशमुख, पेशी पद्मनाभ, वो लोग काफ़ी टाइम पहला रन में घोड़े को टंग स्ट्रैप नहीं पहनाते कि कैसा भागेगा वगैरह, उसके बाद टंग स्ट्रैप पहनाते हैं तो फ़र्क थोड़ा ज़रूर पड़ेगा। और एक नंबर है अश्व गजराज, उसको पहली बार सोर शिंस हुए थे, मैंने वेटनरियन डॉक्टर से भी काम किया है तो मुझे मालूम है सोर शिंस क्या है। और क्रॉस नोज बैंड आता है और गेल्डिंग किया है, शायद प्लेस हो सकता है, शशिकांत ट्रेनर है। सेकेंड रेस में आते हैं भाइयों, तो कोथगडम प्लेट डिवीजन 2, 1200 मीटर की क्लास 4 की रेस है, लेकिन जो घोड़े है वो क्लास 5 जैसे है और वैसे घोड़े मैं 10 रुपया भी नहीं लगाता क्योंकि काफ़ी अच्छी रेस आगे है। सब रेस भाइयों आप खेलोगे तो रेस में कभी नहीं जीत पाओगे। अगर महाभारत के सहदेव और नकुल भी आए
वो लोग भी आठ रेस में विनर कौन सा घोड़ा वायर पहला क्रॉस करेगा वो नहीं बोल सकते। तो दिन में दो तीन रेस तो आप ज़रूर छोड़ दियो, उसमें ये रेस ऐसी है कि उसमें विनर ढूंढना इतना आसान नहीं है। हैप्पी गो लक्की का थोड़ा फॉर्म है पर थोड़ा अनलक्की घोड़ा भी है, तो इसलिए शायद वो और स्पेक्टेकुलर क्रूज 5 नंबर और टेम्पटेशन ये 3 घोड़े मैं पैडक में ज़रूर देखूँगा। मेरे सुझाव की ये वीडियो है, लेकिन मेरे टिप्स जो आप टिप्स कहते हो वो मैं पैडक के बाद ही देता हूँ, तो आप ज़रूर कोशिश करना आने के लिए। रेस नंबर 3 1200 मीटर की रेस है, मेडन अगेन 3 साल के बच्चे। ये बच्चे की रेसों में क्या होता है कि वेकेशन के बाद कौन सा घोड़ा इम्प्रूव हुआ कौन सा क्या हुआ वो अपने को नहीं मालूम, लेकिन जो भी फॉर्म है पुराना तो उसमें क्लियर करके घोड़ा है, वो भी अक्षय कुमार चला रहा है, डी नेटो का घोड़ा, उसका फॉर्म कुछ ठीक है। और उसके बाद है वॉरविक करके घोड़ा, वत्सल्य ट्रेनर है, अजीत कुमार चला रहा है, उसका ठीक है, वो प्लेस हो सकता है। और ओनली द ब्रेव 3 नंबर शायद, और डिकॉय करके घोड़ा है जो टंग स्ट्रैप पहने जा रहा है, लेकिन थोड़ा चांस मैं क्लियर को दूंगा, लेकिन भाव कम होगा तो मैं छोड़ दूंगा उस बच्चे की रेस में। फेवरेट खेलना बहुत सोच समझ के मैं 10 रुपया खेलता हूँ। चौथी रेस में आते हैं भाइयों, फायर क्रेस्ट प्लेट 1400 मीटर की रेस है, क्लास 3 की रेस में। इसमें एक घोड़ा मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिन का डेज बेस्ट हो सकता है अगर जो उसका बॉडी वेट कम ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, वो है राइवल KSV प्रसाद राजू ट्रेन, अक्षय कुमार चला रहा है। लास्ट विक्ट्री काफ़ी अच्छी थी, और दूसरा कारण डेज बेस्ट के लिए इसलिए है कि उसके नज़दीक के जो कॉम्पिटिशन है किंग्स बेस्ट और पाथ ऑफ पीस, वो दोनों ने उनकी ब्लड वेसल तोड़ी थी, यानी कि वो लोग ब्लीडर है, तो मैं ब्लीडर से तो दूर ही रहता हूँ, सिवाय के कोई अच्छे ट्रेनर हो जिनके पास रेस्ट की दिया हो कोई दवाई वगैरह आई हो तो अलग बात है, आयुर्वेदिक के कुछ है थोड़े इम्प्रूव होते हैं, लेकिन वंस अ ब्लीडर ऑलवेज अ ब्लीडर नहीं, मैं नहीं खेलता, इसलिए राइवल मेरे हिसाब से गुड बैट हो सकती है अगर भाव ठीक हो तो। अगली रेस में आते हैं भाइयों, पांचवी रेस फलकनुमा कप 1600 मीटर की रेस है, क्लास 4 की रेस है। इसमें भी एक घोड़ा काफ़ी मुझे पसंद है के कागज़ पे, लेकिन उसका कोई भाव नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं बनता, 40 पैसा मिले तो बहुत बढ़िया है, नहीं मुझे नहीं लगता। लिवर मोर करके घोड़ा है LD सिल्वा का, अफरोज खान चला रहा है, वो पहली रेस जीतने के बाद उसको ट्रेनर काफ़ी अच्छा घोड़ा समझ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उनको बम्बई भी लेके आए थे और काफ़ी टर्म्स रेस में भगाया हुआ है, जमारी के साथ भागा हुआ है, और वो दिन उसके पैर पे दूसरे घोड़े के पैर लगने से क्लिपिंग कहते हैं वो हुआ था, तो भी वो ठीक भागा था, तो ये रेस के मुताबिक तो वो जीत सकता है, लेकिन मैं तो कभी 80-90 पैसे के नीचे के घोड़े मैं ताली बजाऊंगा और खुश रहूंगा, मैं नहीं खेलता, और मेरी राय है कि आप भी मत खेला करो। रेस नंबर 6 में आते हैं भाई साहब, द फीचर रेस है दिन की, राजा महबूब करण मेमोरियल कप 1600 मीटर की रेस है। उसमें एक घोड़ा बेंगलोर जाके आया हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन, जो भी काफ़ी घोड़े हैं जो बेंगलोर गए थे तो उनकी फिटनेस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो ह्यूमैनिटेरियन करके घोड़ा है, वो काफ़ी अच्छी पेडिग्री है, रोदरी को कॉर्नर आउट ऑफ प्लेसरविल ग्लोरी पे मैंने काफ़ी पैसे बनाए थे पास में, वो भी अक्षय कुमार चला रहा है, उसका भी भाव इवन सवा मिले तो ठीक है, अगर 60-17 पैसा हो जाए तो मत खेलियो। विनिंग स्ट्रीक करके घोड़ा है, वो काफ़ी लाइट वजन का है, मेरी एक थियरी है जो काफ़ी पॉपुलर है, 400 किलो के नीचे के घोड़े मैं नहीं खेलता, तो ये घोड़ा लाइट फ्रेम है 401, उसका बॉडी वेट ज़रूर देखिए, हैदराबाद इज़ द सेंटर जो आपको फ्री में दिखाता है, इमरान खान चला रहा है, घोड़ा ज़रूर जॉब पे होगा, प्लेस हो सकता है,
प्रिंसेस ढाका अच्छा घोड़ा है, लेकिन ये डिस्टेंस कम पड़ेगा, 2000 मीटर 1800 पे तो वो गर्म होता है। तो मैं तो ह्यूमैनिटेरियन ठीक भाव मिलेगा, अगर बॉडी वेट ठीक है तो मैं ज़रूर खेलूँगा। मुझे डबल राइवल से ह्यूमैनिटेरियन की काफ़ी पसंद है। कल जैसे मेरी डबल पास हो गई थी स्विफ्ट से, इट्स माय टाइम डैलस का घोड़ा पेसी और डैलस। आते हैं सातवीं रेस में भाई साहब, तो सातवीं रेस भी बड़ी ओपन और सो रेस है। क्लास फोर के घोड़े हैं, लेकिन क्लास फाइव जैसे ही है। सैलिसबर्ग करके घोड़ा है, सैलिसबरी, उस पर काफ़ी पैसे मैंने घुमाए हैं। मैं ये रेस में हार जीत नहीं करना चाहता। अगर कोई पैडक में दिखेगा तो मैं छोटा मोटा प्लेस खेलूँगा, तो आप वो टाइम पे देखना। और लास्ट रेस है क्लास फाइव की, क्लास फाइव तो मैं कभी खेलता ही नहीं, सिवाय के पैडक में बहुत अच्छा दिखे तो मैं थोड़ा पैसा प्लेस में खेल सकता हूँ, देख डेढ़ का भाव मिले। कल भी मैंने प्योर करके एमके जादव का घोड़ा प्लेस में लंबा डेढ़ के भाव में खेला था। जैक डैनियल करके घोड़ा है, जोधा चला रहा है, और उसका कुछ थोड़ा चांस है, लेकिन लास्ट रेस में आप जीते होगे और जीतना ही चाहिए आज, तो ये लास्ट रेस मत, आप का तो पैसे गिनो, का तो कॉफ़ी पियो, का तो बियर पियो। ओके भाइयों, थैंक फॉर कमिंग, थैंक फॉर वॉचिंग। आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे लाइक बटन और सब्सक्राइब करना ये चैनल को। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।